हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमिक्स टॉक विद विजय में। मैं हूं आपका दोस्त विजय कुमार और हम यहां करते हैं कॉमिक्स रिलेटेड ढेर सारी बातें। दोस्तों, 1970 में कॉमिक्स प्रकाशन भारत में बस शुरू ही हुआ था। मार्केट में जो कॉमिक्स उपलब्ध थी वो या तो माइथोलॉजिकल स्टोरी थी या फिर फॉरेन कैरेक्टर पर ज़्यादा फोकस थी। ऐसे समय में एक कॉमिक्स पब्लिकेशन ने भारतीय बाज़ार पर अपने देसी और ओरिजिनल किरदारों के साथ कदम रखा। इसका परिणाम भी बहुत अच्छा उन्हें मिला और इस पब्लिकेशन का नाम है नूतन कॉमिक्स। नूतन कॉमिक्स में जासूसी, हॉरर, पौराणिक और राजा रानी वाली कहानियों के साथ ही सुपर हीरो जॉनर की कहानियाँ भी देखने को मिली है। इन सुपर हीरोज में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय किरदार रहा भूतनाथ, जिसकी ओरिजिन आज हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम ऐसे ही कॉमिक्स रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, आपका और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भूतनाथ को कॉमिक्स में पहले एक जासूस बताया गया जिसका सामना अक्सर अपराधियों से पड़ता रहता है। वह हमेशा एक मास्क पहने हुए और साथ ही एक लबादे के साथ अक्सर दिखाई देता है। उसकी ओरिजिन स्टोरी के बारे में ज़्यादा जानकारी कहीं नहीं मिलती है, लेकिन फैंटम की तरह ही इसकी पीढ़ी समय के साथ साथ भूतनाथ का वेश धारण किए हुए है, क्योंकि भूतनाथ की बगावत कॉमिक्स में उसे 1857 की क्रांति के समय का उसे बताया गया है। ऐसी ही और भी कई सारी बातें भूतनाथ के बारे में फेमस है, जैसे कि उसे चलता फिरता प्रेत भी बताया गया है, लेकिन अक्सर उसकी भिड़ंत अपराधियों और ऐसे ही चोर बदमाशों से पड़ती रहती है। दोस्तों, भूतनाथ एक शातिर डिटेक्टिव है। उसकी कहानियों में हमेशा एक अपराधियों का पीछा करते हुए उसे बताया गया है। अपराधियों के अलावा सुपर नेचुरल पावर से भी उसका पाला पड़ता रहता है। भूतनाथ एक मार्शल आर्टिस्ट है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अलावा वह सारे हथियार चलाने में भी माहिर है। विजेता भूतनाथ कॉमिक्स में उसे अपने पुरखों की चमत्कारी ढाल व तलवार यूज़ करते हुए भी देखा गया है। भूतनाथ के पास एक खास मोटरसाइकिल भी है। ट्रांसमीटर व हथियार, सारी चीज़ों को भूतनाथ इसमें कैरी किए होता है। साथ ही अपराधियों का पीछा भी वह इसी से करता है। भूतनाथ की कहानी में मुख्य तौर पर आईजी खन्ना और इंस्पेक्टर अरुण को देखा गया है। साथ ही मेनका और बाबा को भी देखा जाता रहा है। भूतनाथ के पास खुद का एक पुराना किला है, जहां पर उसने अपना कंट्रोल रूम और हेडक्वार्टर और साथ ही सीक्रेट बेस भी बनाया हुआ है। इसी किले में उसने काल दूध ग्रुप का ट्रेंड किया है। वह इस ग्रुप में बच्चों और महिलाओं को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देता है और किसी भी जंग के लिए लड़ाकों की फौज भी तैयार करता है। भूतनाथ की पहली कॉमिक्स भूतनाथ और चक्रव्यूह बताई जाती है, जो कि आज तक मुझे नहीं मिली है। भूतनाथ की कॉमिक्स में हमें नरेश भाटिया, विनोद कुमार शर्मा जी का लेखन और मंजीत और धम्मी आर्ट ग्रुप का चित्रांकन भी देखने को मिलता है। भूतनाथ अपने समय का लोकप्रिय किरदार था और आज उसकी कॉमिक्स रेयर मानी जाती है। मज़े की बात यह है कि राज कॉमिक्स ने नूतन कॉमिक्स के भी अधिकार खरीद लिए हैं और जल्द ही भूतनाथ सर नायक सीरीज में नज़र आने वाला है। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी वीडियो नूतन कॉमिक्स के सुपर हीरो भूतनाथ की ओरिजिन स्टोरी पर। अगर आपने भी भूतनाथ की कॉमिक्स पढ़ी है तो अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही नूतन कॉमिक्स से जुड़े और भी वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो जैसे भी पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। साथ ही ऐसी ही कॉमिक्स रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ ही इस वीडियो से रिलेटेड कोई फैक्ट या सुझाव अगर आपके पास हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएँ। साथ ही ये भी बताएँ कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। इस वीडियोज़ में कोई फैक्ट अगर हमसे मिस हो गया हो तो वो भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। हमसे और भी अपडेट लेने के लिए आप हमारी फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल में भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।